जैसा तुमने कहा था मैं उसका सामान बांध देती हूँ। जल्दी निकले तो सूरज ढलने से पहले हम उसे घर छोड़कर वापस आ सकते हैं। अमृता तो छोटी बच्ची है, उसे चुनौती की हार जीत ये सब खेल लगता है उसे। लेकिन मैं जानती हूँ, तुम समझते हो ये सब अमृता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बिनॉय अंकल, काका, आपने तो अमृता की हालत देखी है, तो अगर हम उसे बैलगाड़ी के जगह मोटर गाड़ी में छोड़कर आए तो सही रहेगा ना? तुम्हें क्या लगता है निरुद? नहीं मिनी, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। बोंदिता कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। देखा नहीं आप लोगों ने बोंदिता को कितना भरोसा है मुझ पर, अपने आप पर? क्या चाहते हैं आप लोग, तोड़ दूं मैं उसका भरोसा? जब बोंदिता खुद हार नहीं मान रही तो मैं हार मान सकता हूं क्या? जब बोंदिता लड़ने के लिए तैयार है तो मैं अपने घुटने कैसे टेक सकता हूं काका, कैसे बाबा? इसीलिए जब तक चुनौती का समय पूरा नहीं होता तब तक हार जीत का फैसला भी नहीं होगा बाबा, हार जीत का फैसला भी नहीं होगा बाबा। तो जब बोंदिता को विश्वास है कि हम मिलकर जीत सकते हैं तो हम मिलकर जीतेंगे ये चुनौती। और मेरे लिए नहीं बाबा, बोंदिता के लिए, बोंदिता की समस्या दूर करने के लिए, वंदिता को सुबह उठकर शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश। पर अनिरुद्ध, पर अगर तुम्हारी जिद की वजह से बहू की तबीयत फिर से खराब हो गई तो, जैसे आज हुआ है वैसे ही अगर उसकी जान पे पन आई तो? काका, वंदिता को मेरे कड़े नियमों के वजह से कुछ नहीं हुआ, उसने एक गलत दवा पी ली थी उसके कारण हुआ ये सब। और उस शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूं ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। अपनी समस्या दूर करने के लिए उसने किसी ठग से कोई दवा ले ली थी। क्या? कौन ठग? किसने किया ऐसा? नाम बताओ, काल कोठी में डलवा देंगे हम उसे। काका, वो ठग यहाँ बैठा थोड़ी ना होगा हमारे साथ। हाँ, पर उस लड़की को इतनी तो अकल होनी चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि क्या हो रहा है उसके साथ। इस घर में बड़े लोग हैं, नौकर चाकर हैं, किसी से भी कह सकती थी। नहीं कहा उसने, माना कि उससे गलती हो गई है दादा, पर इसकी कौन सी गारंटी है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी? है कोई गारंटी? उसकी जान की चिंता लिए बैठे रहेंगे क्या हम हमेशा दादा? ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की को जल्द से जल्द उसकी माँ के पास छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कल को कौन सा अनर्थ हो जाए, जान बचाते दौड़ते फिरेंगे क्या हम? देख लेना दा, किसी दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए गए। बाबा बाबा, ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी दिन बोंदिता खुद कोर्ट कचहरी जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि बोंदिता पढ़ लिख कर मेरे जैसे बैरिस्टर बने। जैसे लोग मुझे बुलाते हैं वैसे बोंदिता को भी बुलाएं, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू। अनिरुद्ध, के दिल में सपने देखने वालों को ना पागल कहती है दुनिया। थैंक यू बाबा बताने के लिए कि मैं पागल हूं, और वही पागलपन मैंने आज बोंदिता में देखा। हिम्मत वाला पागलपन, जीतने का साहस रखने वाला पागलपन, अपना भाग्य खुद लिखने वाला पागलपन। बाबा,
वंदिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हारने के डर से निकाला है। मानता हूं कि आज जो वंदिता ने किया उसका तरीका गलत था, पर उसका इरादा सच्चा और पक्का था। वो कहावत है ना, जहां साथ हो पति पत्नी वहां दुष्ट सास की मुश्किल है चलनी। अब थके होंगे ना, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। सच कहूं तो आज नींद नहीं आ रही। क्या कर रहे मुझे आप? लग रही है माँ की आवाज है। ये क्या कर रहे हो आप? मार क्यों रहे हो माँ को? क्यों मार रहे हो मतलब? तू हट बीच में से। ये ना मेरी पत्नी है, इसे सर पे बिठाना है कि मारना है ये मेरा निर्णय है, समझा? चलो हटो। आपकी पत्नी है तो मेरी माँ भी है। माँ आप जाइए मेरे कमरे में। दो रूप वाली है वो, और सामने तो बहुत प्यार जताती है वो, और पीठ पीछे तुम्हें और सौरभ को दूर रखने के लिए षड्यंत्र रच रही है वो औरत। चाहिए नहीं रे बेटा, क्या कह रहा है तू? तेरा नया नया विवाह हुआ है, ये सब ठीक नहीं है। माँ विवाह हुआ तो क्या बेटे की जिम्मेदारी भूल जाऊं मैं? चाहिए माँ। देखा ना कैसे मेरी जरा सी चालाकी से कितनी आसानी से दूर हो गए तुम दोनों। इस घर में आज तक भला पत्ता तक हिला है मेरी इच्छा के बिना? वरना देर लगेगी क्या तुम सबको मेरे बाबूजी के घर से निकालने में? तभी तो तुम्हारे बाबा भी वही करते हैं जो मैं कहती हूँ। जब तक बहू चार बकरियां नहीं लाएगी उसे पत्नी का हक नहीं मिलने दूंगी। अगर मुर्गी बनकर अंडा देंगे तो देख सकते हैं ये जादू वाला खेल। हाँ दूंगा अंडा, अंडा दूंगा मैं। अच्छा देखो बटू कितनी अच्छी है वंदिता। ने क्या किया था उसके साथ? गलत किया था ना, फिर भी वंदिता ने हाँ कह दिया। चलो अब वंदिता को वादा करो कि दोबारा ऐसा कोई मजाक नहीं करोगे। क्या जादू का खेल यहाँ हवेली में? बाबा काका जादू का खेल जरूरी है वंदिता के लिए। कब खत्म होंगे तुम्हारे नए नए तमाशे अनिरुद्ध? अरे मान क्यों नहीं लेते हो अपनी हार? जब तक आखिरी पल नहीं बचता ना बाबा निर्णय में, तब तक नहीं मानूंगा हार। ठीक ठीक है ना बिनोय, करने दो इसे जो करना है, क्या बुराई है? वैसे भी आखिरी रात है बहू की इस घर में, कल सुबह तो निकल ही जाना है। जाते जाते खुशी के कुछ पल मिल जाए तो क्या बुराई है उसमें? सही कहा काका, आज और कल में पूरी रात बाकी है, और मैं पूरी रात कोशिश करता रहूंगा कि वंदिता की समस्या का समाधान मिल जाए। कल सुबह आप अपना निर्णय दे सकते हैं। बिहारी सारे इंतजाम तुम्हें संभालने होंगे, क्योंकि जब तक जादू का खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं स्टडी में बैठा रहूंगा।